हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में हम देखेंगे प्रस्तावना कौशल के ऊपर। जो हमारा आज का कौशल है वो है प्रस्तावना कौशल, और विषय हमारा आज का है सामाजिक विज्ञान, और उप विषय है भूगोल का। अगर आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना है सामाजिक विज्ञान का, तो आज की वीडियो देखिएगा कम्प्लीट। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाते हुए बनाया है। आप लोगों को अच्छी लगे अगर वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर आप सभी को पता है, यहाँ पे जैसे देखिए लिखा गया है सूक्ष्म पाठ्य योजना, इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ पर रोशन की क्लास लिखी गई है, तो ये सेम चीज़ मतलब छाप दीजिएगा आप लोग, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मैंने देखा है गलती किया हुआ है। ये सब रोशन की क्लास लिखा है, तो उन्होंने भी अपने फाइल में विद्यालय के सामने रोशन की क्लास लिख दी, तो आप डांट खाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि आप लोग यूट्यूब से देख के आए हैं। तो वहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी हुई है। नेक्स्ट, अगर आज की बात की जाए, जो हमारा आज का प्रकरण है वो है कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए। वर्ग है, यानी कि किस सेक्शन में आप जाएंगे पढ़ाने, तो यहाँ पर मैंने अ लिखा है। इसके साथ आपका जो भी सेक्शन होगा ABC अ ब स वो लिखेगा। विषय सामाजिक विज्ञान का है, उप विषय भूगोल है। इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ाई है। अवधि हमारा आज का जो है मानक अवधि, आप सभी को पता है कि सूक्ष्म पाठ्य योजना की मानक अवधि 7 मिनट की होती है। और हमारा आज का कौशल है प्रस्तावना कौशल, और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है वर्षा व उसके कारण। काफ़ी आसान टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको आप आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग आराम से पढ़ा ले जाएंगे। अब आता है अगला हेडिंग, कौशल के घटक। यानी कि आप सभी को पता है कि कोई भी यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण का कोई भी कौशल होता है, उसको पढ़ाने के बाद आप लोग शिक्षक हैं, छात्राध्यापक हैं या छात्राध्यापिका हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्यों कर रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण इसलिए कर रहे हैं, रीज़न ये है सूक्ष्म शिक्षण करने का, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के कौशल होते हैं, और उन सभी कौशलों को सीखने के बाद ही आप पाठ्य योजना पढ़ा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो कौशल होते हैं, इनको सीखने के लिए आपके लिए कुछ न कुछ रूल बने होंगे कि आप प्रस्तावना कौशल में क्या करेंगे, व्याख्या कौशल में क्या करेंगे, यहाँ पर पुनर्बलन कौशल में आपको क्या ध्यान देने वाली बात है। ऐसी तरह से जितने भी कौशल हैं उनमें कुछ न कुछ रूल बने हुए हैं, उन्हीं को कहते हैं हम यहाँ पर हिंदी में घटक। तो यहाँ पे प्रस्तावना कौशल में आपको जो घटक ध्यान में रखनी है बातों को, उसमें से पहला यहाँ पे है कथनों एवं प्रश्नों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। यानी कि जो कथन होंगे आप जो बोलेंगे या फिर जो प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ रहा है तो उससे क्लास 11, 12 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर 6 में है तो उसे 5 से रिलेटेड, कक्षा 5 से रिलेटेड प्रश्न पूछिए। कक्षा 7 में है तो उससे कक्षा 6 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। कक्षा 8 में है तो उससे कक्षा 7 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है पॉइंट, प्रश्नों में क्रमबद्धता। प्रस्तावना प्रश्नों में क्रमबद्धता का मतलब ये होता है कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी सब वर्णमाला का जेड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कौशल का घटक है कथन एवं प्रश्न मूल पाठ से संबंधित हो। यानी कि जो आप कथन बोल रहे हैं या फिर आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं जो बच्चों से, वो जो जिस प्रकरण पे आप पढ़ाना चाहते हैं उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं विज्ञान और पूछ रहे हैं आप इतिहास के क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है उपयुक्त सहायक उपकरणों का चयन एवं प्रयोग। आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहाँ पर आप चार्ट बना के ले जाएंगे, मॉडल बना के ले जाएंगे, कब आपको चौक का यूज करना है, कब आपको डस्टर का यूज करना है, ये सारी चीज़ें आपके अनुसार होनी चाहिए कि किस चीज़ का यहाँ पे यूज कब करना है। अगला पॉइंट है उपयुक्त एवं समुचित अवधि का प्रयोग। यानी कि आप जो आपको 7 मिनट का समय मिला है उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप क्या प्रश्न पूछते ही पूछते पूरा 7 मिनट ख़त्म कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सही तरीके से आपको 1 मिनट में क्या करना है स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें सही तरीके से आप तैयारी करके जाइए। और 7 मिनट अगर क्लास दी जा रही है तो 7 मिनट से 8 मिनट ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 7 मिनट से 6 मिनट भी कर देंगे क्लास तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 6 मिनट 7 मिनट अगर दिया जा रहा है आपको, ऐसा नहीं हो कि 2 मिनट में ही आपका कंटेंट खत्म हो गया, 2 मिनट के बाद कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं क्लास में। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 7 मिनट दिया गया आपको समय और 15 मिनट ले जा रहे हैं आप क्लास को। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं।
अगला पॉइंट है छात्रों का ध्यान व रुचि आकर्षण। जब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बच्चों का ध्यान और जो रुचि होनी चाहिए उनकी, वो आपकी तरफ आकर्षित रहनी चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछें बच्चों से। और यहाँ पे सातवां घटक है आवाज़ की स्पष्टता, भाव भंगिमा एवं नेत्र संपर्क। आपका आवाज़ ऐसा होना चाहिए कि क्लास में आपके लास्ट बच्चा जो बैठा है, सबसे पीछे बैठा है, उस तक भी आपकी आवाज़ क्लियर जाए, आपका हाव भाव सही हो और आप बच्चों को देख के पढ़ाएं, बच्चों को देख के प्रश्न पूछें। ऐसा नहीं कि आप छात्र अध्यापक हैं तो शर्मा रहे हैं आप, या फिर वहाँ पे आप जाके नीचे देख रहे हैं, या फिर इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें सही से होनी चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे आज का प्रस्तावना प्रश्न। इसको देखिए, यहाँ पे चार कॉलम में डिवाइड किया गया है प्रस्तावना प्रश्न को। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, छात्र क्रिया और घटक। तो इसमें सबसे पहले दो तीन चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है वो मैं बता दूँ आप लोगों को, कि पहले तो कम से कम तीन प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। लेकिन जो आप प्रस्तावना प्रश्न बना रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण का, पाठ्य योजना में आप चलेंगे तीन प्रश्न पूछ लेंगे चलेगा, लेकिन जब आप प्रस्तावना कौशल ही कर रहे हैं तो इसमें कम से कम आप पाँच प्रश्न तो पूछिए, पांच प्रश्न पूछिए। और क्रम तो आपको पता है कि क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा, इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पे जो घटक लिखा गया है, घटक में देखिए लिखा गया 1, 2, 3, 1, 3, 4। काफ़ी बच्चे स्टार्टिंग में प्रश्न यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता ये क्या लिखा गया है। तो घटक में कुछ नहीं है, जो यहाँ पे जैसे पहला घटक क्या है, कथनों एवं प्रश्नों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, तो यहाँ पे एक लिखा गया है। तो यहाँ पे आप पूरा वहाँ पे हम उस छोटे से कॉलम इतना लिख नहीं सकते, इसलिए हम वहाँ पे 1 लिख देते हैं। दूसरा, प्रश्नों में क्रमबद्धता हो तो 2 भी लिख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, जैसे यहाँ पे देखिए पहले वाले 1, 2, 3 लिखा गया है, यानी कि हम ये जो प्रश्न पूछे हैं उसमें हमने कौन कौन से घटक का यूज किया है। तो यहाँ पे बच्चों से आप पूछेंगे, छात्रों हम किस ग्रह पे रहते हैं, बच्चे बोलेंगे पृथ्वी ग्रह पर। और दूसरा यहाँ पे है कि जो आंसर मिलेगा बच्चों से वो पूरा वाक्य के अनुसार मिले, ऐसा नहीं कि बस पृथ्वी बोल रहा है बच्चा, ऐसा भी ना हो, बच्चे को ये आप सिखाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे पृथ्वी के ऊपर के क्षेत्र को आकाश कहते हैं या फिर आसमान कहते हैं। आपकी क्लास में बच्चा अलग अलग आंसर देगा, ठीक है। इसमें आपने यूज किया 1, 3, 4 घटक। अगला प्रश्न फिर बनेगा, आकाश अगर आंसर मिलेगा तो आकाश बोलिएगा, आसमान बोलेगा तो आसमान बोलिएगा। अगला प्रश्न है, आकाश में क्या होते हैं, बच्चे बोलेंगे आकाश में चांद होते हैं, तारे होते हैं और बादल होते हैं। इसमें आपने यूज किया दूसरा, तीसरा और चौथा घटक। अब चौथा क्वेश्चन है, बादलों से क्या होती है, तो अब बच्चा बोलेगा बादलों से वर्षा होती है। अब यहाँ पे आपकी क्लास में 10, 15, 20 बच्चे होंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे वर्षा ही बोले। बादलों से क्या होती है पूछेंगे बच्चों से आप, तो अलग अलग चीज़ें आंसर मिलेंगी। कोई कहेगा कि बादल काले होते हैं, बादलों से पानी बरसता है, बादलों से वर्षा होती है, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वर्षा जैसे आपको कोई बोलेगा वर्षा होती है, अगला क्वेश्चन बना लीजिए, वर्षा क्यों होती है। बच्चा हो सकता है ना बता पाए, छात्र चुप हो जाएगा, इसमें आपने घटक यूज किया 2, 3, 4। जैसे ही बच्चा शांत होगा अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पर लिखा गया है, छात्रों मतलब आपको सिर्फ वो टॉपिक बोलना है जो आप पढ़ाने वाले हैं, उसको किस तरीके से बोलना है वो यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए बोला गया है आपके द्वारा बच्चों के सामने, छात्रों आज हम वर्षा व उसके कारणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या फिर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। इस लेसन प्लान की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।